एपिसोड की थीम तो आपको अर्चना ने बता ही दी है, जेंडर चेंज। आज तक ऑडियंस को हंसाती रही जोड़ियां हमारी, आज ऑडियंस की है बारी। इसलिए आज इस मंच पर ऑडियंस में से आ रही हैं दो महिलाएं प्यारी। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश एज गर्ल्स फ्रॉम द कॉमेडी सर्कस ऑडियंस। चले चुंडी कै को काटा तू इधर। और सुहेल कैसे है तुम? ऐसा आग काय को मलता है? तो आज तुम्हारे लिए मेकअप किए मैं, लिपस्टिक भी तुम्हारे लिए लगाई है मैंने, कड़वी वाली, क्योंकि जो मेरे को तुमने वादे किए हैं ना, अगर वो पूरे नहीं हुए तो आज उल्टा मैच पप्पी ले डालूंगी बोलती हूँ मैं। कैसी अर्चना? ठीक हूँ। अर्चना और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भी हाउस वाइफ है और मैं भी, तीन लोगों के यहाँ। हम गरीब लोगों के लिए किसी के भी घर पे जगह नहीं है, सब लोग होटल लेके जाते। और बीनू कैसे है तू? जी अच्छा हूँ। पिक्चर का प्रमोशन पे आया क्या? जी। क्यों ठीक नहीं बनी क्या? बीनू के बारे में एक बात बोलती है मैं, वीनू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मतलब मैं तुमको एक सलाह देती है, पता क्या है, टाइटल सही नहीं रहता आपका पिक्चर का। अब जैसे चलो दिल्ली था, उसका टाइटल भेजा फ्राई होना चाहिए। बुरा मत मानना, बिल्कुल आई एम जस्ट सीरियस। अभी तुम्हारे जो पिक्चर आ रहे ना, कौन से टेढ़े मेढ़े पेड़े, कौन सा क्या नाम क्या है पिक्चर का? तेरे मेरे फेरे है। हाँ, वो इस तो टेढ़े मेढ़े पेड़े। वो पिक्चर तुम्हारा हिट होएगा मैं बोलती हूँ, जोरदार ताली बजाओ भी। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें रिया सेन है। और बंगाली लोग का आजकल बहुत चल रहा है, जैसे बिपाशा विपाशा, ये लोग देखो ना, हमारा बंगाल ने हिंदुस्तान को क्या कुछ नहीं दिया अर्चना जी। सत्यजीत रे दिया, सौरभ गांगुली दिया, पप्पी दा दिया, मिथुन दा दिया, मुनमुन सेन दिया, और रिया सेन तो दिया ही दिया। कृष्णा, ओह माय गॉड, मैं एक बात कहूं, ऐसे डर मत, पता नहीं सुदेश आने के बाद तेरे कितने कम होंगे, मैं तेरे को अभी से दे रहा हूँ। एक बात बोलूं, ये डर गया कि पोल ना खोल दूं। माय गॉड, माधुरी मेरी दोस्त है, माधुरी अभी तक आए नहीं, पता नहीं किधर है। हेलो ए माधुरी, सुन रही है हम लोग। ये माधुरी सुनना, तू शूटिंग पे लेट काहे को आई रे? तुम्हें पता है आज लड़की बनना था ना? हाँ। मैं शेव करने में टाइम लग गया। एक तो ऑटो पे आई। अच्छा, क्या करूं, मेरा लोन ही पास नहीं और अभी तक साइकिल नहीं लिया मैंने। ओ माय गॉड, ऑटो वाला कहता पैसे दो या किस दो, मेरे पास पैसे नहीं थे। ओ माय गॉड, तो तूने क्या किया? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कान के नीचे दो किस दे दी। 400 लेके आई। क्या बात कर रही है? इनको बता। हाँ? मैं यहाँ ना, इनको पता नहीं, इज्जत नहीं की मेरी। क्यों? मैं ऑडियंस में नहीं हूँ ना। तू ऑडियंस में नहीं है तो क्या जज बनने आई है तू? मेरा मतलब मैं यहाँ पे अभी न्यूड हूँ ना। साली न्यूड नहीं होता, न्यू होता है न्यू। वही न्यूड तो तू बाद में होगी, जब तुझे कमेंट्स मिलेंगे ना तब तू न्यूड होगी। ये स्मार्ट सा कौन है? ये अर्चना है मेरे पास। असली? अरे बिल्कुल असली है, देखना हंस रही है, ऐसा उंगली देख हिला रही है, ऐसा देख, अभी पास से देख, अभी खाने को नहीं मिलेगा ना तो माइक खा जाएगी झटके से, असली है। ये विनी। माय गॉड, तू विनू को जानती है? हाय हाय विनी, इन्हें कौन जानता है। हाँ, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े हलवाई देखे। बड़े बड़े लोग जलेबियां बना सकते, लेकिन आप जैसा एक्टर नहीं देखा मेरी। सच्ची बात है। क्या बात करती है, सुन। देख,
स्टार लोग से ऐसे बात नहीं करने का। सॉरी विनय, सॉरी। नहीं नहीं विनय को तुम कुछ भी बोल सकती हो, मैं सोहेल खान की बात कर रही हूँ। पर ये नहीं समझ आई, हाँ ये कब से जज करने लगा? पता चलते ही बता दूंगी। ये जज किधर कर रहा है? पिछले एपिसोड में बोला था ना मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तू इस शो को जज करने की। पहले बोलने का था ना किसी और को लाते हम लोग। पता क्या है, हाँ। मेरा ब्रेकअप हो गया सातों बॉयफ्रेंड के साथ। माय गॉड, सातों के साथ एक ही रात में ब्रेकअप हो गया? एक ही रात में इन सातों ने मुझे आठवें के साथ पकड़ लिया। माय गॉड, फिर तेरे को तो बहुत मारे रहेंगे ना वो लोग। अरे पांच सात घुसों से और ये लातों वातों से मेरा क्या बनता है। अरे ए, सुन, तेरा है कोई बता ना मेरे पास। है मेरे पास है? हाँ। पता है वो पलंबर है, पलंबर। अभी उसके साथ में डेट पर गई थी, कपासवड़ी में नल्ला पाया खाया हमने, बहुत मजा किया। हाँ। उसके बाद मैं होटल में लेके गई उसको, मैंने बोला अब काम खत्म करके सो जाते हैं। हाँ। तो साला पलंबर टूटी ठीक करके खुद सो गया वहां पर। क्या हो गया, क्या हुआ? ये बाल बाल निकाल दिए ना। कौन सी आंख में गया है? नहीं नाक में। गंदी, एक तो ऐसी शक्ल है तेरी, ऊपर से गंदी बातें भी करती है तू। आजकल तू शो भी बहुत कर रही होगी ना। अरे मैं अमित जी का शो कर रही हूँ। अमित जी नहीं उसके साथ नहीं आते थे जो रम जदी? अच्छा अच्छा। ओ इंडिया गॉट टॉयलेट। हाँ जी का। उधर मजा बहुत आता रहेगा ना तेरे को। बड़ा मजा। हाँ। वो धर्म जी यहाँ बैठते ना, हाँ। मेरी पास ही कुर्सी होती, पिला देते थोड़ी थोड़ी हमको भी। क्या बात कर रही है? तेरा फोन बज रहा है। हाँ साइलेंट पे है ना, हाँ। इसलिए तूने सुन लिया, मैंने नहीं सुना। हेलो। हाँ मम्मी। मम्मी क्यों फिक्र करती हूँ, मैं ऐसी हूँ क्या? मैं ऐसा जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे लोग तुम्हें कहें तुम्हारी बेटी कहाँ से मुंह गोरा करवा के आई है। मम्मी सुबह 6 बजे पैकअप हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ वही कॉमेडी सर्कस, सुबह 6 बजे आ जाऊंगी। एक बात बताती हूँ तेरे को, तू नहीं है ना ये सुरेंद्र के मुँह मत लगना। सोहेल जी की तरह ये भी नहीं लगने देता। अरे सुन, हाँ? ये बहुत बड़ा छोड़ू आदमी है। इतना बड़ा छोड़ू है, पैकअप के बाद रोज मुझे नाके पे जाके छोड़ता है। हाँ, ये तो साला कल छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने बोला छोड़, तब जाके छोड़ा इसने। सुन उससे बोलना। क्या? मैं वहां बैठती हूँ, मेरी तरफ ना देखा, मेरा ना गंदा सा मूड खराब होता है इसके देख। अच्छा तभी तो इधर बैठने का 200 मिलता है और इधर बैठने का 1000, क्योंकि ये इधर बैठा रहता है साला। ये लड़कियों को छेड़ते से कहते धागी त्रिकट आ, धागी त्रिकट आ, धागी त्रिकट आ, ये वो। ओ देख अभी भी कर रहे लाए। अरे तभी चमेली ने इसको गोवा थूक के मारा था उस दिन इधर। माय गॉड, एक चलोगे, एक चलोगे। अरे मजे से बैठे रहते हैं जज लोग और परफॉर्मर लोग, हमारा दुख कोई समझता ही नहीं है। पता है बेचारी को बवासीर है, फिर भी बेचारी 6-6 घंटा इधर बैठी रहती है। ए बाबा रो मत, सिर इधर रख। ये कौन है? ये बहुत बड़ा गांडा है। अरे कौन है? यही है साला जिसकी वजह से 6-6 बजे पैकअप होता है हम लोग का। अरे मन तो करता है फत्तर फेंक के मारू फत्तर। मालूम है जब भी खाने पे आओ ना इधर ऑप्टोमिस्टेक, मिस्टेक है बहुत बड़ा ये। हाँ जब भी इधर आओ ना खाने में, जब देखो तवा फुलाओ, तवा फुलाओ। हाँ। अरे कभी कभी फाव भाजी भी खिलाया करो हमको रे। हाँ। इधर मैं बताऊं तेरे को। हाँ। ऐसा करते हैं, हाँ। हम ये छोड़ देते टीवी वाले, हम विनय जी के साथ फिल्मों में चलते हैं। अबे नहीं रे बाबा, फिल्मों में नहीं। हाँ। टीवी में तो फिर भी तवा फुलाओ देते हैं, फिल्मों में तो पेट फुलाओ देते। ऐसी बात नहीं, वो गैस वाला खाना देती है तो पेट फुलेगा ही फिर। माय गॉड, कवर अच्छा कर लेती है साली। अरे एक चलोगे, एक चलोगे, देख। हाँ 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 हाँ। अबे हंस कर रही है। हाँ। वो भूतनी चोपड़ा आई है अभी स्टेज पर। अच्छा। अभी पर... वो देख, वो देख, वो देख, देख देख ठाकुर का एक चालू हो गया। तो फिर बाथरूम चले। चलो। नहीं नहीं एक मिनट, एक मिनट। हे
ये क्या कर रही है? देख ये जब स्टेज पर आता है ना ठाकुर, इसके तो पंच फूटते नहीं, अखरोट तो फोड़ लूं मैं कभी। मेरे को ना कपिल बहुत अच्छा लगता है। अरे उससे शादी मत करना। क्यों? वो सिर्फ पंच ही फोड़ सकता है, कुछ नहीं करता। देख एक बात बताऊं मैं, चाहे कपिल है, ठाकुर है, जितने सब फुकरे लोग आते हैं ना, मैं बोलूं एक बात, कृष्णा इज द बेस्ट। मैं खुद उसको बड़ा लाइक करती हूँ। अच्छा? बेशक वो सुदेश की वजह से चल रहा है, लेकिन आई लव कृष्णा। अरे सुदेश में वैरायटी बहुत है। अच्छा? रोज अलग अलग कच्चे पहन के आता है ना वो, मालूम कितने देखा कर। तेरे को मालूम है कृष्णा रोहित शेट्टी की अगली पिक्चर कर रहा है, बोल बच्चन। इसमें क्या है, मैंने तो पहले कहा था वो जज ठीक नहीं है। सुन लिया ना कृष्णा को? अरे पहले तो सुदेश को लेने वाला था। अच्छा? हाँ सुदेश ने मना कर दिया, कहते नहीं अजय देवगन तुम्हारा दोस्त है, उसी को लो, उसको बुरा लगेगा। हाँ सुदेश का क्या है, वो तो कहीं भी धक्के खा लेगा। देख ऐसी बात नहीं, कृष्णा सच में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ठीक है लोग, कुछ लोग तालियां सुंदर है ना, वैसे कला कुला तो सुदेश में ही सब कुछ है। अपने आप को क्या है, कुछ नहीं है, मुझे तो घटिया लगता है, मेरा दिल करता है स्टेज पे जाके मुंह पे मारू थप्पड़। क्या बकवास कर रही है तू? तेरी औकात क्या है? अरे तेरी वो सुदेश साले, और जा बढ़ जाके कृष्णा तब दफा हो जा। अरे हट इधर से, चल। अबे चल तेरी, बकवास करता तू। एक चल हो गया, एक चल हो गया। ओह लेकिन ये जो पीछे बोलते हैं गांडा अंकल, ये ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ऑडियंस की। सही बात है, अगर ऑडियंस नहीं होगी तो तुम्हारा शो खाक चलेगा। हाँ हमारी वजह से तालियां बजाओ, हम आपका शो हिट करते हैं। सही बात है। Oh my God, that was just fantastic, Archana. And one more thing. What a wonderful tribute to our audience in the studio. Ek baar apne liye zordar taaliyan. Krishna, you are the most amazing talented performer I have ever had the pleasure of judging. You are beyond judging now, really. And Sudesh, itni cute badsurat maine aaj pehle dekhi. ये आज हमने जो स्टेज पे देखा, जो पुराने जमाने में नहीं, जो 60s और 70s में जो क्लासिक हिंदी फिल्में, मसाला फिल्में बनती थी, व्हाट वी ऑल्स टू एंजॉय, क्या 3 घंटे जाके मजा करेंगे, योर एक्ट वाज दैट यार। थैंक यू, आप ही बचे हैं, अब आप ही तारीफों से पुल बांध ही दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आगे अगर आपके गैंग में अगर थोड़ी जगह होगी तो मुझे भी बुला लीजिएगा। कृष्णा एक बात तो मैंने सीख ली है, जज की हैसियत से आऊं या नहीं आऊं, लेकिन पिक्चर को प्रमोट नहीं करने आऊंगा।